गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और शाम को बज गई है 9। यस, यू ऑल नो कि 9 PM पे हमारा सेशन हुआ करता है दोस्तों। और जहां पर अभी हमारा जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन चल रहा था, पिछले साल के जो पर्टिकुलर पेपर्स हैं उनको हम डिस्कशन कर रहे थे, और उनके साथ साथ जो है ना हम ये भी जान रहे थे कि एग्जैक्टली जो मतलब क्वेश्चंस बने थे वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से आए थे और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, गुड इवनिंग आदित्य। सो हमने वहां पर जो है ना किसी तरह का चेंज नहीं किया था, अपन शिफ्ट वाइज चल रहे थे। पहले मैंने आपको जो है ना 2019 के क्वेश्चन करवा दिए थे। 2019 के बाद अगर आप देखें सो हमने यहाँ पर जो है ना 2020 के जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चंस का हमारा डिस्कशन चल रहा था, 2020 वाले। ठीक है, और 2020 में हमने 3 मार्च को जो पर्टिकुलर शिफ्ट 1, 2, 3 जो है ना तीनों डिस्कशन कर लिए हैं। 4 मार्च के शिफ्ट 1, 2, 3 डिस्कशन कर लिए हैं। 5 मार्च का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर था वो अपन डिस्कशन कर चुके थे, है ना। और 5 मार्च का आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑफ द शिफ्ट 2। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे अभी वर्तमान में डिस्कशन करेंगे आज का। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। सो दोस्तों आप सभी से एक आग्रह है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा करे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, है ना। और सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दिया करिए, सो दैट सारे लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पे मतलब किस पर्टिकुलर चीज की क्लास चल रही है। सो थोड़ा सा आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है ना। और आई होप कि आप सब लोग जो है ना सहयोग कर रहे हैं और हमेशा जो है ना अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए, मैंने जल्दी से सेशन को शेयर कर दिया है सभी को, आप लोगों ने भी आई होप कर दिया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। जी हाँ बिल्कुल, शेयर हो गया है। सो गुड इवनिंग तानिया शर्मा जी, गुड इवनिंग सीमा पाठक जी। सो दोस्तों सेशन हो गया है शुरू, है ना, और मैंने शेयर भी कर दिया है, आप लोगों ने भी कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन के PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मुझे जो है ना तो टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये कब का पेपर है। सो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये जो एग्जाम हुआ था SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था, और ये एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2020 को। ठीक है, 5 मार्च 2020 को हुआ था और ये हुआ था शिफ्ट 2 में। ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, सो वेरी गुड आदित्य, आप भी आ गए हैं। तो द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, भारत और पाकिस्तान के बीच पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 18 अक्टूबर 1969, 12 नवंबर 1959, 16 दिसंबर 1963 और 19 सितंबर 1963। 1960 कब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों सिंधु जल संधि के ऊपर मैंने जो है ना एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, है ना, एक सेपरेट वीडियो बनाया था और वो चैनल पर अवेलेबल है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। उसमें आपको सिंधु जल संधि के बारे में जो है ना तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इसका अगर हम सही उत्तर देखें राइट आंसर कहला जाएगा 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 है, ये वो पर्टिकुलर दिन है जब जो इंडस वाटर ट्रीटी है यानी कि सिंधु जल संधि को मतलब हस्ताक्षरित किया गया था, है ना। और सिंधु जल संधि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस ट्रीटी में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो मीडिएटर था, है ना, मीडिएटर या जिसको आप माध्यम माध्यम कह लें तो वर्ल्ड बैंक बना था। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इंडियन साइड से जवाहरलाल नेहरू जी के जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा साइन किए गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। अब इसमें क्या है, देखो टोटल 6 नदियां हैं, आप अगर वहां पर देखोगे तो 6 नदियां हैं, इंडस
झेलम चेनाब, ठीक है, ये तीन नदियां हो गई, और जो बाकी की तीन नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीन नदियां हो गई। तो ये जो तीन नदियां हैं इन पर अधिकार, इनके पानी पर अधिकार किसको है? पाकिस्तान को है। और ये जो तीन नदियां हैं इनके पानी पर अधिकार किसको है? इंडिया को दे दिया गया था, ठीक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी थी जिस पर जो है ना हर बार बदलाव का वो चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द पद्मा अवार्ड आर अनाउंस्ड अराउंड एवरी ईयर, पद्म पुरस्कार हर वर्ष के आसपास घोषित किए जाते हैं, हिंदी दिवस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और सद्भावना दिवस। पद्मा पुरस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो पुरस्कार है इनके बारे में बात करी गई है। ये कब जो है तो मतलब घोषित किए जाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। जो पद्मा अवार्ड है इनको कब स्टेबल किया गया था? सो 1954 में स्टार्ट हुए थे ये पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड जो है ना ये कब स्टार्ट हुए थे? सो दोस्तों इनको स्टार्ट किया गया था 1954, 1954 में इनको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, सो ये हाईएस्ट सिविलियन, इसमें तीन पर्टिकुलर अवार्ड आते हैं। एक तो जिनको कहा जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, तीन अवार्ड आते हैं। अच्छा यहां पर आप देखो, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा कहलाता है इंडिया का? भारत रत्न, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। इसके बाद आप देखें तो जो है ना ये पद्मा अवार्ड आते हैं, ठीक है। सो पद्मा अवार्ड अगर आप देखो, तो दोस्तों ये जो फॉर एक्सेप्शनल, जो पद्म विभूषण है ना, तो विभूषण एक्सेप्शनल और जो डिस्टिंग सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण डिस्टिंग सर्विस हाई ऑर्डर पे दिया जाता है, पद्मश्री जो डिस्टिंग सर्विस है उसके लिए दिया जाता है ना। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ना ये कब दिया जाता है? सो ये रिपब्लिक डे के आसपास जो है ना घोषित किया जाता है। अब आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो रिपब्लिक डे है ना ये कब मनाया जाता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों, सो आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो सद्भावना दिवस है ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सद्भावना दिवस के तौर पे मनाई जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज, 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या कितनी है? 2, 3, 1 और 4। ये एग्जैक्ट पेपर है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये आप देखें तो एग्जैक्ट पेपर है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा गया था। इसका दोस्तों अगर आप सही उत्तर देखें, राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा? राइट आंसर यहां पर जो है ना कहला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसको 2 कहा गया, ठीक है। दो यहां पर छवियां बनाई जाएंगी। देखिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्स, नंबर ऑफ इमेज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना होता है आपका? 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहां पे आपको थीटा की वैल्यू 120 दी गई है, तो आप 360 बटे 120 -1 कर दीजिए, है ना। तो 120 थी, 360 ये कितना हो गया? 3 बार गया, 3 में से 1 घटाया, कितना बचा आपके पास? 2, ठीक है। 2 यहाँ पर जो है ना इमेज यहाँ पे फॉर्म होकर के तैयार हो गई है ना। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर यहाँ पर कहला जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा फॉर्मूला था, अगर याद होता देखो, 2 नंबर बिल्कुल श्योर थे, जिसको याद रहा होगा उसने तुरंत यहाँ पर जो है ना टिक मार्क किया होगा, और तुरंत टिक मार्क करके अपने 2 मार्क्स जो है ना बिल्कुल श्योर कर लिए होंगे। आगे देखिए, द हैदराबाद फंड हैड बीन हेल्ड बाई द इन द अकाउंट ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द यूके हबीब इब्राहिम
रोहिम तोल्ला, रहीम तुल्ला, हैदराबाद खंड को यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीम तोला के खाते में रखा गया था। कौन से किंगडम बैंक, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, वॉटरफील्ड प्राइवेट बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड? दोस्तों ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब वो है ना, हैदराबाद फंड अगर आप देखो तो दोस्तों 2019 में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसने 1947 में विभाजन के समय हैदराबाद की निजाम से संबंधित निधियों पर पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने कानूनी विवाद को हल किया था, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा नेशनल वेंस्टर बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू जिसको नेशनल वेंस्टर बैंक कहा गया, ये इसका राइट आंसर कहला जाएगा, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जीबीपी 35 मिलियन से अधिक का ये फंड लंदन के एक बैंक खाते में जमा किया गया था। इस कानूनी लड़ाई को भारत सरकार के समर्थन में जो प्रिंस मुकर्रम जा हैदराबाद के टाइटुलर 8वें निजाम थे और उनके छोटे भाई मफकम जाह ने शुरू किया था, है ना। और यहाँ पे जो है ना तो आप देखें तो ये जो है ना तो किसके उसमें आया, फैसला किसके उसमें आया था, भारत के पक्ष में आया था, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताइए। भगत सिंह कोशियारी, गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान। आप सभी जानते हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहां पे जो है ना सबसे पहले जो गवर्नर बने थे उनके बारे में आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था, है ना। सो पहले गवर्नर दोस्तों यहाँ पर जो है ना मिस्टर जी सी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू कहला जाएंगे, ठीक है। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में अगर आप देखो तो भारत के क्या है, कैग हैं, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, कैग प्रेजेंट में है ये। और जो ये बना था ना आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इसके ये पहले गवर्नर कहला गए थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कहलाए थे जम्मू एंड कश्मीर के। आगे पूछा गया है दोस्तों आपसे यहाँ पर, द इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वीमेन सोल्जर बाई द ईयर। भारतीय सेना वर्ष तक महिला सैनिकों के पहले बैच को नियुक्त करने के लिए तैयार है, 2022, 2021, 2023 और 2020। दोस्तों आप सबको पता है कि वीमेन्स का जो पहला बैच है अब तो ये यहाँ पर जो है ना कमीशन हो चुका है जो भारतीय सेनाएं हैं, और इसे कब कमीशन किया गया था दोस्तों? सो राइट आंसर यहाँ पर आप देखें, ये कमीशन हुआ था साल 2021 में, ठीक है। जो भारतीय सेना ने वर्ष 2021 में जो महिलाओं का पहला दल था ये यहाँ पर नियुक्त कर दिया था सेना में। और आप सभी जानते हैं इस घोषणा से पहले केवल 2 क्षेत्रों में महिलाओं को एक स्थायी कमीशन दिया गया था, न्यायाधीश एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में, है ना। लेकिन उसके बाद इसके साथ जो सिग्नल्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, इंटेलिजेंस, इंजीनियर्स, इन सब में जो है ना महिलाओं की भागीदारी होगी। 100 महिला सैनिकों के पहले बैच को 2021 में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी शामिल किया गया था। और भारत सेना में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मनोज मुकुंद नरवाने जी थे उस समय भारत के सेना अध्यक्ष, जब इनको मतलब वो किया गया था। और दोस्तों ये जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, उनका प्रयास था कि भारतीय महिलाएं जो है ना इसमें पूर्णतः या फुल सक्सेसफुली कमीशन हो पाई थी। द एक्सकेवेट रिमेन्स ऑफ द फाउंड नियर पटना इन बिहार वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए उत्खनन अवशेष जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था, एलोरा केव्स, नालंदा महाविहार, सांची स्तूप और अशोक पिलर, क्या कहला जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को समझिएगा, जो जुलाई में यूनेस्को के द्वारा बिहार के पटना के आसपास उत्खनन के जो अवशेष थे उनको विश्व धरोहर स्थलों में नामांकित किया गया है ना। और ये कहां पर पाए गए थे? तो जो नालंदा महाविहार है, नालंदा महाविहार और इसके आसपास ये जो चीजें हैं पाई गई थी जिनको कि
यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे घोषित किया था। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जुलाई 2016 में यूनेस्को के द्वारा पटना बिहार के आसपास पाए गए नालंदा में हाँ बिहार के उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर के तौर पे अंकित किया था। और ये पेपर कब हुआ था? जुलाई 2016 का ये करंट अफेयर कहला जाएगा, है ना। हालांकि ये किससे रिलेटेड है? आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। और ये जो है ना कब क्वेश्चन पूछा गया था? 5 मार्च 2020 को। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में ऐसा पूछा जाएगा 3-4 साल पुराना कि जो मे भी हो सकता है आपसे बने भी, मे भी हो सकता है नहीं बने। बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बन जाए तो उसको सीधे स्किप मार देना। ठीक है, सीधे स्किप मार देना। अगर नहीं बन रहा है तुक्का लगाओगे तो आपका माइनस हो जाएगा, सही बैठ गया तो 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा, है ना। एक एक नंबर जो है ना, ये एक एक नंबर में हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव रथ, आर फोर ऑफ द पंच रथ एट महाबलीपुरम, व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ रथ। महाबलीपुरम में धर्मराज जो है ना, धर्मराज रथ है जिसको युधिष्ठिर रथ कहा गया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रथ, ये 4 रथों के नाम हो गए। पांचवा जो रथ है उसका नाम क्या है? भीष्म, द्रौपदी, कृष्ण और कर्ण। जो धर्मराज के अवशेष हैं वहां पर ये पर्टिकुलर रथ है, उन्हीं पर्टिकुलर रथों के बारे में पूछा गया है कि उनके जो नाम है वो पांचवें रथ का नाम आपको बताना है। क्या कहला जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका सही उत्तर आप देखें कहला जाएगा द्रौपदी रथ। ठीक है, यहाँ पे महाबलीपुरम में धर्मराज रथ हो गया, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव रथ, इन 5 रथों में से 4 हैं, अगर पांचवें का नाम है यहाँ पर द्रौपदी रथ। ठीक है, याद रहेगा। महाबलीपुरम जिसे हम मामल्लपुरम के नाम से भी जानते थे, इतिहास में मैंने आपको कई बार बताया है मामल्लपुरम, मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम किसे कहा जाता था? ये महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम कहा जाता था इतिहास में। और दोस्तों 5 जो रथ हैं वो द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव रथ, भीम रथ और धर्मराज रथ जो कि युधिष्ठिर जी का था, है ना। महाबलीपुरम जो है ना ये 7वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के समय के हैं। प्राचीन काल में महाबलीपुरम एक महत्वपूर्ण तटीय शहर हुआ करता था। महाबलीपुरम में शेर, हाथी और नंदी बैल की 3 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु के तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और आप सभी जानते हैं अक्टूबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लपुरम में दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई थी। पहली बैठक चीन के वुहान में हुई थी अप्रैल 2018 में, जहां से कि क्या निकला था? कोरोना निकला था। आगे देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है? महाबली एलिफेंट, सॉरी महानदी एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। क्या चीज है जो स्थित नहीं है? इसका तो तुरंत आंसर कर दोगे आप, सोनितपुर। आप सभी जानते हैं दोस्तों सोनितपुर कहाँ पर है? आसाम में। ये आपका आसाम में आ जाएगा। बाकी महानदी, मयूरभंज, संबलपुर, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों आपके उड़ीसा में कहला जाएंगे। ठीक है, सोनितपुर जो एलिफेंट रिजर्व है ये आसाम में स्थित है। और यहाँ पे जो है ना आसाम में जैसे दिहिंग पटकई हो गया, काजीरंगा कर्बी हो गया, है ना, एनालॉग हो गया, धनसिरी हो गया, चिरांग हो गया, ये सब एलिफेंट रिजर्व हैं जो कहाँ पे हैं? आसाम में। ठीक है, सोनितपुर भी वहीं पर है। अगर आप देखें तो दोस्तों जो महानदी है, महानदी ये आपका एलिफेंट रिजर्व 2002 में इसको बनाया गया था, मयूरभंज को 2001 में बनाया गया था और संबलपुर को भी 2002 में बनाया गया था हाथियों को बचाने के लिए, है ना। याद है ना कि जो उड़ीसा कलिंग वाला रीजन है हाथियों के लिए बहुत फेमस था, यहीं के हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने फादर इन लॉ जो सेल्यूकस निकेटर थे उनको भेंट किए थे 500 हाथी। आगे पूछा गया था दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन,
निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टंगस्टन, आयरन, पैलेडियम और बेरियम। ये साइंस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आप देखिए टंगस्टन जो है ना, इसका सिंबल क्या होता है, W, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आप इसका जो है ना एटॉमिक नंबर देखें तो 74 होता है, ठीक है। आयरन, आयरन को आप Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। जो पैलेडियम है इसको आप Pd से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 46, है ना। जो बेरियम है इसे आप Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो है ना एटॉमिक नंबर होता है 56, 56। इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कहला जाएगा पैलेडियम, है ना। हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अगर आप देखें तो उत्प्रेरक के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर पैलेडियम का इस्तेमाल जो है ना उत्प्रेरक के तौर पर किया जा सकता है। इंडिया वन एक्स सक्सेसिव टाइटल एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप मार्च 2019। देखो मार्च 2019 का क्वेश्चन, 5 मार्च 2020, SIFT 2 SSC CGL में पूछा गया था, है ना। जो लोग ये बोलते हैं लास्ट सिक्स मंथ इंपॉर्टेंट है, संभल जाओ, है ना। आपको पूरे साल का घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा अगर आपको SSC का एग्जाम निकालना है, और SSC के एग्जाम में GK सबसे स्कोर बूस्टिंग होता है। ये आपके 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपसे आ गए तो 25 के 50 पक्के हैं आपके, कोई नहीं काट सकता, है ना। टाइम सेविंग भी है, सबसे ज्यादा समय की बचत यहीं पे होती है आपके GK में। भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार खिताब जीता, फोर्थ, सेकेंड, सिक्स और फिफ्थ, कौन सा खिताब जीता है ये आपको बताना है। दोस्तों नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर 5वां खिताब कहला जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेन्स में। इंडिया ने नेपाल को हराया था 3-1 से, और 5वां लगातार खिताब अपना अपने नाम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। अब देखो ये दो अलग अलग वर्ड है, गोल्डन सिटी और सिटी ऑफ गोल्ड। इतिहास में आप देखो, मैंने कई बार आपको बताया सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता था, ये जाना जाता था मुल्तान को, है ना। अच्छा, और गोल्डन सिटी अगर आप देखें दोस्तों, तो गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, गोल्डन सिटी कहला जाता है दोस्तों आपका, जिसे बोला गया जहां पर कि बहुत ज्यादा रेत है, रेत, है ना, जैसलमेर। इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा, सही उत्तर कहला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और इसमें लगभग 471 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है ना रेत, है ना, इतनी रेत है, और मरुस्थल जिसको आप कह सकते हैं, मरुस्थल, है ना। जयपुर आप सभी जानते हैं, सॉरी जैसलमेर आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसलमेर नामक शहर को 1156 में बनाया गया था, 1156 AD में जैसलमेर को बनाया गया था। और जो ये महारावल जैसल थे ना, उनके द्वारा इस शहर को बसाया गया था, महारावल जैसल, ठीक है, महारावल जैसल के द्वारा इस पर्टिकुलर शहर को बसाया गया था। आगे देखिए, जोधपुर को, हाँ, ब्लू सिटी कहा जाता है, जोधपुर को राव जोधा के द्वारा 1459 में बनाया गया था, 1459 AD में जो जोधपुर है इसे राव जोधा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको जोधपुर कहा जाता है ना। अच्छा, जो आपका दुर्गापुर है, सॉरी डूंगरपुर, जो ये डूंगरपुर है ना, सो ये लगभग 13th सेंचुरी में इसको फाउंड किया गया था, 13वीं सदी में फाउंड किया गया था। और ये जो डुंगरिया भील किंग थे,
डुंगरिया, भील किंग, इनके द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया था, डुंगरिया भील किंग के द्वारा। और जो बूंदी है, सो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये बूंदा का नल है ना, इसको क्या बोलते हैं, बूंदा का नल। ठीक है, तो बूंदी जो है ना, ये पहले बूंदा का नल कहलाता था। और यहाँ पे जो रणजी की बावरी हो गई है ना, मोती महल वगैरह हो गया, चित्रशाला वगैरह हो गया, ये काफी फेमस है। आगे देखिए, पूछा गया है दोस्तों आपसे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन ओर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा गया है, तो जितने हैं वो आपको पता होने चाहिए, सिडराइट, हेमेटाइट, क्यूपराइट और मैग्नेट, जो है ना मैग्नेटाइट, कौन सा नहीं है। सेडराइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं FeCO3, FeCO3। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट को क्या कहा जाता है दोस्तों, Fe2O3। जो क्यूपराइट है, इसे अपन क्या बोलते हैं, Cu2O। और यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है, सो दोस्तों मैग्नेटाइट को अपन बोलते हैं Fe3O4, O4। अब इसमें देखो, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर आयरन है, ये सब क्या कहला जाएंगे, आयरन के ओर कहला जाएंगे। इसमें कॉपर है, सो ये आयरन के ओर नहीं कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्यूपराइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, Cu2O, ये आपका जो है ना कॉपर का एस्क है, ये आयरन का एस्क नहीं है, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आयरन के और भी एस्क होते हैं, जैसे आपका आयरन पायराइट हो गया है ना, आयरन पायराइट जिसको आप FeS2 कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं, द इन चाइना इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे, चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, कोरिंथ नहर, सुजो नहर, कील नहर और ग्रैंड कैनाल, है ना। जहां दुनिया में कुछ जो ना बन पाए वो चीन बनाए, ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं होगी वो आपको कहां पर मिलेगी, वो चीन में मिलेगी, है ना। सो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मैन मेड, ठीक है, मैन मेड पूरी की पूरी कैनाल है, नहर है जो यहाँ पे बनाई गई है, सो वो कौन सी है। सो दोस्तों इसे हम बोलते हैं ग्रैंड कैनाल, ठीक है, सबसे लंबा जो जलमार्ग है, जो एक मैन मेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है ग्रैंड कैनाल कहा जाता है, सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है दोस्तों। ग्रैंड कैनाल बीजिंग से शुरू होता है और झेजियांग प्रांत के हांगझोउ शहर में समाप्त होता है, पीली नदी को यांगसी नदी से जोड़ता है, येलो रिवर जिसे जो है ना चीन का सोक भी कहते हैं, हांगहो भी इसी को कहते हैं, येलो रिवर को। सो ये इसको किससे जोड़ता है, ये जोड़ देता है यांगसी, यांगसी नदी, या जो यांगसी रिवर है, ये इसको यांगसी रिवर से जोड़ देता है। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप देखो तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का था, और इसकी जो है ना लगभग लेंथ आप देखो सो 1800 किलोमीटर, हाँ 1800 किलोमीटर के अप्रोक्स है, अप्रोक्स नहीं, 1800 किलोमीटर ही है ना। और दोस्तों इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, द गदर और घादर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, गदर या गदर पार्टी का गठन कब किया गया था। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये जो है ना इंडिया का जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चल रहा था, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, गदर पार्टी का गठन कब किया गया था, और यहाँ पे जो गदर पार्टी है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। 1913 की बात है ना, जो इंडियंस कहाँ पर रह रहे थे, अमेरिका और कनाडा में, 1913 में अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पर जो भारतीय रह रहे थे, इनके द्वारा गदर पार्टी को बनाया गया था।
और 1930 में दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये वर्ड जिसको गदर बोला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिबोल्ट। इसे हम रिबोल्ट कहते हैं, या इसको सिंपली आप क्या बोल सकते हो, विद्रोह। ठीक है, विद्रोह कह सकते हो। सो ये यहाँ पर जो है ना दोस्तों, इसका मतलब कहला जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में ही था, है ना। और ये जो पर्टिकुलर पार्टी थी ना, तो इस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था जो भी पर्टिकुलर माउथ पीस है जनरल्स के थ्रू ब्रिटिश रूल को भारत से हटाने के लिए, है ना। गदर पार्टी में अगर आप देखो तो लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव, खान खोजे, ये सब जो लोग हैं इनसे जुड़े रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया दोस्तों आपसे यहाँ पर, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनिसिपलिटी और स्टेट, किससे संबंधित है। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों इसमें तो इतना सोचने जैसा कुछ है नहीं, राइट आंसर यहां पर क्या कहलाया जाएगा इसका, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसका सही उत्तर कहला जाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। और यहाँ पर आप जो है ना, सभी जानते हैं कि जो भाग 8 है, ये आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242 इसके बीच में है, और ये कहला जाएगा आपका पार्ट नंबर 8, भाग 8, जो पंचायत है। तो दोस्तों पंचायत को आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243O तक डिफाइन किया गया है पार्ट 9 में, भाग 9 में। जो म्यूनिसिपलिटीज, या जिन्हें नगर पालिका कहा गया, ये 243P से शुरू होती हैं, और 243P से लेकर के 243ZG तक जाती हैं। ये कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भाग 9A, ठीक है, पार्ट 9A में आ जाती है। अच्छा, जो स्टेट्स हैं, राज्य, तो आप सभी जानते हैं 6वें पर्टिकुलर पार्ट में है, और आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 150 से लेकर के 237 237 तक जो है ना, इनको डिफाइन किया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया था, नेम द फर्स्ट फीमेल अम्पुटी टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अंशु जाम सेनपा और पूर्णा मालवत। आपको पहली महिला का नाम बताना है जिनके द्वारा, जो कि विकलांग थी, विकलांग होने के बावजूद अगर आप देखें तो इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। क्या कहला जाएगा दोस्तों इनका नाम, राइट आंसर इनका कहला जाएगा अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अपंग महिला थी, इनके द्वारा जो है ना, तो आप देखें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी गई थी। और दोस्तों साल 2013 में अपर्णा सिन्हा ने वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल बनी थी ये, है ना। और ये नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं, और जो माउंटेनियर हैं, यानी इनको जो है ना पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अरुणिमा आप देखें तो माउंट एवरेस्ट तो चढ़ी ही हैं, इसके अलावा माउंट किलीमंजारो जो अफ्रीका में है, वो भी इनके द्वारा जो है ना, मतलब उसको भी इन्होंने चढ़ा था। यूरोप के माउंट एल्ब्रोस, है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो कोसीजको है ना, कोसियोस्को माउंटेन जो ऑस्ट्रेलिया में है, अकांका हुआ अर्जेंटीना का हो गया, है ना, इंडोनेशिया के जो क्रिस्टनेज पिरामिड जिनको पुनाक जाया बोलते हैं, ये सब जो है ना इनके द्वारा चढ़े हुए हैं। और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिनके द्वारा, अगर आप देखो तो अपंग, जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया गया था। एक और यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन वीमेन जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया गया था, तो दोस्तों ये कौन कहला जाएंगी फर्स्ट इंडियन वीमेन। ये आप सभी जानते हैं बछेंद्री पाल, नहीं याद हो तो याद कर लेना, सबसे पहली महिला। अच्छा ये देखो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, ये अपंग महिला थी, ठीक है, और ये बछेंद्री पाल जो है ना, ये महिला है।
इनके द्वारा जो है ना पहली महिला थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लिम्ब किया गया था। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा मालवनाथ पूर्णिमा, मालवनाथ पूर्णिमा। ये जो मालवनाथ पूर्णिमा है ना, तो ये आपकी वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल कहला जाएंगी, ठीक है, विश्व की पहली महिला कहला जाएंगी। और दोस्तों सबसे कम उम्र की भी, यंगेस्ट भी थी यही, जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लिम्ब किया गया था, यानी माउंट एवरेस्ट को चढ़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा जो पूरे महाद्वीप में 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर पैर रख चुकी हैं, ये भी है मालवनाथ पूर्णिमा। जो एशिया महाद्वीप में आप देखो जो 6 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको जो है ना ये यहाँ पर फतह कर चुकी हैं। आगे पूछा गया है आपसे, अलाई दरवाजा साउदर्न गेटवे ऑफ द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, दिल्ली में कब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह दुर्रानी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अलाई दरवाजा आप सभी जानते हैं ना। सो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा दोस्तों जो है ना ये बनवाया गया था अलाई दरवाजा, जो कि दक्षिणी प्रवेश द्वार है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का, है ना। और आप सभी जानते हैं कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, है ना, सॉरी 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 सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था, है ना। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ना उसका दामाद था और उसका भतीजा भी था। अरे उसका नाम तो इल्तुतमिश था यार, कहाँ बताओ किस दुनिया में खो जाते, माफ करिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये जलालुद्दीन खिलजी का जो है ना तो दामाद था और उसका भतीजा भी था, ठीक है। सो इसने जो है ना सिकंदर ए आजम का टाइटल धारण किया था और इसके द्वारा अलाई दरवाजा, हौज खास, हजार खंबा महल, अलाई मीनार, है ना, सिरी फोर्ट, सिरी किला जिसको कहा गया, तो ये सब इसके द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड मेथड। सिंपल सा आपको ये बोल रहा है कि नेशनल इनकम जो होती है ना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की 3 पर्टिकुलर मेथड हैं, 3 मेथड हैं। वो 3 मेथड में दो तो इसने बता दी कि एक इनकम मेथड होगी, दूसरी एक्सपेंडिचर मेथड होगी, तीसरी मेथड कौन सी है? डिपॉजिट, स्पेंडिंग, लेंडिंग, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। जैसे कि आप जो है ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कहला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड जो मेथड होती है, ये चौथी मेथड होती है जिसके आधार पर आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेशनल इनकम को आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज को रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टियर ऑफ, मूल्यह्रास के टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, फिनिश्ड गुड्स, लैंड, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल गुड्स। मूल ह्रास जिसको हम कहते हैं, मूल ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, दोस्तों इसका राइट आंसर कहला जाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है। मूल ह्रास जो है ना तो ये किसमें होता है आपका, एक वार्षिक भत्ता है जो कि कैपिटल गुड्स होते हैं, ये कैपिटल गुड्स से संबंधित है मूल ह्रास, है ना। मूल ह्रास या डेप्रिसिएशन का मतलब यहां पर क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट है ना, एसेट की वैल्यू में जो भी रिडक्शन होता है, जो भी कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मूल ह्रास कहते हैं, ठीक है। अब ये किसमें होता है? तो कैपिटल गुड्स में होता है। आगे देखिए,
परनीसियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। हानिकारक एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। B6, B12, B2 और B1। एनीमिया आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड की कमी के कारण होती है, ठीक है, ब्लड की कमी के कारण होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा, कौन से पर्टिकुलर विटामिन के कारण जो है ना ये कंडीशन प्रयुक्त हो जाती है, कौन सी पर्टिकुलर विटामिन है। सो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कहला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जिसे कहा गया B12। हानिकारक एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक है। और दोस्तों B12 जिसको हम क्या बोलते हैं, कोबालामिन बोलते हैं। B12 को हम क्या बोलते हैं, कोबालामिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो दोस्तों जो एक मैक्रोसाइटिक हो गया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, परनीसियस अनीमिया होता है, ये दोनों अगर आप देखो तो कोबालामिन या जिनकी B12 की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। इनमें सी फूड, बीफ, चिकन वगैरह जो है ना ये इसके मेन सोर्सेस कहला जाते हैं। और B6 तो आप सभी जानते हैं, जिसको अपन पायरीडॉक्साइन बोलते हैं या पायरीडॉक्सिल बोलते हैं या पायरीडॉक्सामाइन भी कहते हैं। इससे जो है ना तो डेंड्रफ लाइक जो इरप्शन होते हैं वो पिंक आईज होने लग जाती है, इपलिप्सी नामक बीमारी होती है। जो B2 होता है इसको अपन राइबोफ्लेविन बोलते हैं, है ना, और इसके कारण जो है ना एरिबोफ्लेविनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है B2 के कारण, ठीक है। और जो आपका B1 है इसे हम थायमाइन बोलते हैं, जिसके कारण बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। और कौन बचा, B3 को अपन नियासिन बोलते हैं या निकोटिना बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। और B3 के कमी के कारण अगर आप देखें तो कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं पेलेग्रा। B5 जिसको पेंटोनिक एसिड बोलते हैं, उससे एक्ने आ जाते हैं, प्रेस्थीसिया हो जाता है। B7 जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं, इससे जो हमारी ग्रोथ होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं इन्फेंट्स में अगर B7 की कमी है बायोटिन की। B9 जिसको अपन फॉलिक एसिड बोलते हैं, तो ये माइक्रोटिक या एनीमिया या बर्थ डिफेक्ट वगैरह इसमें बहुत आ जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान B9 फॉलिक एसिड की मात्रा को भरपूर दिया जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आर लोकेटेड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली। BCCI, ये वही BCCI है जिसके मतलब सेक्रेटरी अपने मोटा भाई के पुत्र हैं, सुपुत्र। सो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या कहला जाएगा, सही उत्तर यहां पर कहला जाएगा मुंबई। BCCI का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है, और मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम ही इसका हेडक्वार्टर है BCCI का। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे दिसंबर 1928 में फाउंड किया गया था। ये कब फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था दिसंबर 1928 में इनको फाउंड किया गया था। और पहले जो है ना ये प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाता था, बाद में इसको BCCI कह दिया गया था, है ना। BCCI के जो क्रिकेट टूर्नामेंट है आप सभी जानते हैं, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हराजारे ट्रॉफी, है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानियन कप, ये सब इनकी ट्रॉफीज हैं जो ये कंडक्ट करवाते हैं। एक और चीज जो है ना, एक इंटरनेशनल काउंसिल भी है जिसको अपन ICC बोलते हैं, है ना, ICC कहते हैं इसको, बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई स्पोर्ट सिटी में है, UAE में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूछा गया है आपसे यहाँ पर, आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कॉम्पोनेंट, दो या दो से अधिक घटकों के सजाती मिश्रण क्या कहलाते हैं, एमल्सन, एंजाइम्स, सोल्यूशन और अमलगम। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कॉम्पोनेंट्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा, इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सॉल्यूशन, जिसे हम बिलियन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जो सॉल्यूशन होता है ना ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का,
जिनमें से एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लार्ज प्रपोर्शन में, और सॉल्यूट जो है ना ये अदर कंपोनेंट होता है जो एक लेस प्रपोर्शन में मौजूद होता है सॉल्वेंट में। और इसमें फिर क्या होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो सी वाटर हो गया, जो सॉलिड है वो भी लिक्विड में हो जाता है ना। जैसे अपन ने पानी में शक्कर को घोल करके शरबत बना लिया, लिक्विड लिक्विड में जैसे विनेगर हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, गैस इन गैस एयर है ना, ये भी तो मिक्सचर है। गैस को लिक्विड में आप जो है ना मिक्स कर सकते हैं, जैसे कार्बोनेटेड वाटर हो गया, क्लोरिनेटेड वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, तो ये सब जो है ना आपके मिश्रण कहला जाते हैं। रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर द जलियांवाला बाग मास किलिंग। ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में शूरवीर की पदवी को त्याग दिया था। शिवाजी राव होलकर, जमशेद जी, जे जी भॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये टाइटल किसको दिया था जिन्होंने लौटा दिया था? सो आप सभी जानते हैं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और इन्होंने ये जो पर्टिकुलर उपाधि है ये लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आप सभी जानते हैं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना फर्स्ट एशियन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फर्स्ट एशियन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? सो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913, 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, और इनके द्वारा जो है ना शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी 1901 में, जिसे साल 2023 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसको शामिल किया है, जानते हैं ना शांति निकेतन। आगे देखिए, पूछा गया है दोस्तों आपसे, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी वॉज फॉर्म्ड बाई इंसर्शन ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में अनुच्छेद के सम्मिलन द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 328B, 338A, 338B और 328A। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिसको एनसीबीसी कहा गया, ये फॉर्म किया गया था। दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा इसका? है ये गलत है। 338B इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज 338B इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और पिछड़ा वर्ग जो है ना ऑप्शन नंबर थ्री आर्टिकल नंबर 338B के तहत बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल बैकवर्ड कमीशन को स्टेबल किया गया था 1993 में। उन्नीस सौ तिरानवे में इसको स्टेबल किया गया था। ठीक है, और ये एज अ स्टेटूटरी बॉडी फॉर्म हुई थी, स्टेटूटरी बॉडी है ना, ये एज अ स्टेटूटरी बॉडी फॉर्म हुई थी। और दोस्तों 102वां जो अमेंडमेंट था, 102nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था साल 2018 में। ठीक है, 2018 में हुआ था, और यहीं पे आर्टिकल नंबर 338B को इंसर्ट किया गया था। 338B को इंसर्ट किया गया था जिसके तहत एनसीबीसी को
फॉर्म किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो है ना 5 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था शिफ्ट टू का, उसके क्वेश्चंस। 5 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल का शिफ्ट टू का पेपर जो हमने यहां पर डिस्कशन किया। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप सबका सहयोग अपेक्षित है, तभी अपन यहाँ पर इन क्लासेस को जो है ना रेगुलर कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद।